तो दोस्तों आज ये बताएंगे ये बताशे कैसे बनते हैं, किस चीज़ से बनते हैं, ये खाने के काम में आते हैं सब, ये लोग खरीदते हैं, चढ़ाते हैं, पूजा में चढ़ाते हैं, मज़ारों में चढ़ाते हैं। तो आज इनकी टेक्निक जानेंगे किस तरह से बनते हैं ये, कौन लोग बनाते हैं इन्हें। ये दोस्तों खाने के काम आते हैं, ये मज़ारों पर भी चढ़ते हैं, गांव देहातों में भी इसकी सप्लाई होती है बहुत, और बहुत खूबसूरती के साथ ये बताशे बनाए जाते हैं। तो सारे दिन में कितने बना ले तो एक बोरी जी, एक बोरी बना लेते हैं सारा दिन में, एक चीनी की बोरी लग जाती है। मजदूरी क्या पड़ जाती है तुम्हें? मजदूरी 300 रुपये पड़ती है। 300 रुपये सारा दिन मेहनत करने के बाद 300 रुपये हासिल होते हैं इन्हें बामुश्किल। ये अमरोहा की वीडियो है, अमरोहा में ये काम ज़्यादातर होता है और इसकी सप्लाई बाहर तक जाती है। गाजियाबाद जाता जी? गाजियाबाद अच्छा। में बहुत बड़ी मंडी है इसकी। अच्छा अच्छा, यहाँ से सप्लाई होकर गाजियाबाद पहुँचाती है। अच्छा, अगर कोई साहब तुमसे लेना चाहे तो कुछ पता है आपका यहाँ? जी जी जी, बताओ, पता बता दो, फ़ोन नंबर बता दो। अगर गाजियाबाद से दिल्ली से कोई लेने आया आपके पास तो कोई? सबके पास कोड नंबर है, हमारा नंबर रहेगा, कार्ड भी आएगा, कार्ड आएगा भैया। फोन नंबर बता दो। 20 इस तरह से ये पैक हो जाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, क्रेट में पैक हो जाते हैं और फिर उसके बाद बाज़ार चले जाते हैं बिकने के लिए। ये बिल्कुल तैयार माल है, बहुत लाजवाब गरम गरम लग रहा है ये, इसको खा के भी दिखाएंगे। हो चुका है गरम, अब इसकी टेस्टिंग कर रहे हैं, बहुत गरम गरम है, लोग खा के दिखाओ है टेस्टिंग नहीं जी, किस तरह का मज़ा आ रहा है इसमें, चीनी जैसा है या चीनी से अलग? बिल्कुल जैसा हम शक्कर खाते हैं, बिल्कुल उस जैसा, बिल्कुल। अच्छा, मुंह में जाके शक्कर तो चीनी होती है जी, तो फिर वो मुंह में जाते ही घुल जाती है। माशाल्लाह बहुत मज़े का है, बहुत जायका है इसमें, बहुत जायका है जी, खाने को भी अच्छा होता है, मीठा है, मीठा। चलिए, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत मेहनत से बनाती है लोग। हाँ, मेहनत से तो बनता ही है ये, यहाँ से इनका कॉन्टैक्ट नंबर है, ये इनका कॉन्टैक्ट नंबर है।